हर युवाओं की आवाज़ सबसे पहले सबसे तेज। आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों मैं बता दूं, मैं मौजूदा समय में अभी गौतम बुद्ध एकेडमी स्कूल में हूं। यहां से हमारी गाड़ी गुजर रही थी तभी हमारी नज़र कुछ बच्चों पे पड़ी जिनके हाथों में एग्जीब्यूशन जैसी कुछ तस्वीरें हमें दिखाई दी। हमने जानने का प्रयास किया आखिर ये बच्चे किस स्कूल के हैं और किस स्कूल में ये जो एग्जीब्यूशन का कार्यक्रम है वो लगा हुआ है। तो हमारा भी मन किया कि उन बच्चों से मिला जाए कि क्या कुछ ये चीज़ें बनाकर लेकर आए हैं आज विज्ञान प्रदर्शनी में। तो आइए एक एक करके हम बच्चों से हम बातचीत करते हैं कि क्या चीज़ें बच्चे आज अपने स्कूल में बनाकर लाए हैं। बताइए क्या चीज़ आप लोग बनाए हुए हैं? सर ये ब्लिंकिंग कार ड्राइविंग है जिसकी हेल्प से हमें ये एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं और बिकॉज ऑफ दिस वी प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्सीडेंट। और फिर इसे हम एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहेंगे। मतलब ये काम कैसे करेगा सर? जैसे कि ये स्पेक्टिकल्स है, व्हेन वी फिट दिस स्पेक्टिकल्स ऑन आवर आईज द कार रन्स स्टार्ट, व्हेन वी क्लोज आवर आईज द कार रन्स स्टॉप। दिस प्रूव दैट व्हेन वी क्लोज आवर आईज दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एन एक्सीडेंट एंड वी सेफ। यानी इस बच्ची का कहने का तात्पर्य ये है कि आप कार जब ड्राइव करते हैं तो जब आपको लोगों को नींदें आने लगती हैं, अगर आपको नींद आएगी, अगर ये चश्मे का प्रयोग आप किए हुए हैं उस समय, तो ये आपको अलार्म बजेगा और ऑटोमेटिक जो गाड़ी है वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगी। क्यों, यही कुछ बता रही थी? यस सर, यही बता। ये इंग्लिश में बच्ची बताई है लेकिन मैंने उसे हिंदी में बताने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं नींद की वजह से, लोग सो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं, और उसी एक्सीडेंट को देखते हुए जो बच्चे हैं लोगों को सेफ्टी के लिए चीज़ें बनाई हैं। तो क्या बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस ऐसी वस्तुओं को आपने बनाया है। ओके सर, थैंक यू सर। क्या नाम है आप लोगों का? सर मेरा नाम सलोनी है। पूरी टीम है आपकी? हाँ। क्या नाम है आपकी? भूमिका सिंह। आपका क्या नाम है? खुशी पासवान। आपका क्या नाम है? आई एम आचल। आपका क्या नाम है? आई एम वंदना। आई एम खुशबू। चलिए आपकी पूरी टीम को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही आप लोग काम करते रहें। और भी बच्चों से थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे कि क्या और कुछ ये नया बना करके ले करके आए हुए हैं। बेटा क्या नाम है आप लोगों का? श्रेया पांडे। ये क्या चीज़ है आप बनाई है? डायलिसिस। क्या चीज़ है? हेमोडायलिसिस। ये किडनी की तरफ काम करती है, इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं। अच्छा, कार्य कैसे करता है? यहाँ से आपके आर्टरी से ब्लड निकलता है, वहाँ से ये यहाँ से जाता है, फिर यहाँ पे आके फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे जो बचा नाइट्रोजनस वेस्ट बचा रहता है यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, फिर वापस से जो फिल्टरेड ब्लड है वो आपके बॉडी में वेन के थ्रू जा दिया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्लास 10th के बच्चे हैं जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है। और भी बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। एक क्लास 8 के बच्चे हैं, ग्रुप ए के ये बच्चे हैं। क्या नाम होगा बेटा आपका? श्रुति त्रिवेदी। क्लास 10। श्रुति ये बताइए क्या चीज़ आप बना करके लाई हैं? सर ड्रिप इरीगेशन और सोलर पावर जनरेशन। तो ये कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है? सर सबसे पहले सोलर पावर जनरेशन का बताते हैं। सबसे पहले ये सन जो है इसके हेल्प से हम लोग का सोलर पैनल चार्ज होता है, जो मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे पावर हाउस में भेजता है, जिसके हेल्प से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। इसके हेल्प से हम पावर हाउस को रन करके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सभी क्लास टीचर वेल में से पानी निकाल करके इरिगेशन कर सकते हैं इजीली। तो ये पूरी टीम आपकी मिल करके बनाई हुई है। ये क्लास 10 के बच्चे हैं जो ये बहुत ही बढ़िया जो चीज़ है वो बना करके 8 के हैं। अच्छा क्लास 8 के हैं, चलिए ठीक है। और भी बच्चों से थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। बेटा ये क्या चीज़ आप लोग बनाई हैं? ये एसिड रेन है। क्या चीज़ है? एसिड रेन। ये क्या चीज़ है, वो कैसे वर्क करता है? ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी पोल्यूशन होता है फैक्ट्रीज के द्वारा, वही हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक, वो सब जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही बारिश होती है उसी बारिश में एसिड होता है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आज एग्जीब्यूशन में छात्रों ने बना करके लेकर के आया है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है कारगर हैं, इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो भी ये बड़े अधिकारी देख रहे हैं, अगर इनकी वस्तुएं जो है उपयोग में लाने योग्य हैं तो उन्हें उपयोग में लाया जाए। बताइए क्या चीज़ आप लोग बनाई हैं?
सोलर पावर एनर्जी। सोलर पावर एनर्जी ये वर्क कैसे करेगा सर? ये सन के आगे सोलर पावर एनर्जी सन के आगे। किस क्लास में है बेटा आप? क्लास 5th। चलिए आपने बनाया वही बहुत है, अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया वो काफ़ी बढ़िया रहा। आ जाइए, यहाँ बच्चे हैं, इनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। बाबू इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुमार। किस क्लास में है आप? 7th। 7th में क्या चीज़ आपने बनाया? ये लेजर सिक्योरिटी अलार्म है, जैसे कि अगर कोई चोर इधर से आता है अगर हमारा जैसे कि रुक जाएगा और अलार्म बज जाएगा। तो ये कैसे वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे, जैसे कि लेजर हमारा LDR पे पड़ेगा और LDR से जैसे ही लेजर हटेगा अलार्म बढ़ जाएगा। अच्छा, तो कहने का चोरी को रोकने के लिए आपने सिस्टम बनाया हुआ है? यस सर। चलिए, इससे चोरी रुकेगी भी और जो चोर है वो अब पकड़े जाएंगे अगर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग होने लगे। बेटा क्या नाम है आपका? अग्रिमा शर्मा। अग्रिमा किस क्लास में? 5th में है। ये क्या चीज आपने, क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? मैंने बनाया एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन। अच्छा, ये वर्क कैसे करेगा? ये इंडिकेट करता है कि सेफ ट्री सेफ फॉरेस्ट। अच्छा, चलिए बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। अब आ जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ बनाया है। बेटा किस क्लास में आप? 5th क्लास में। ये कौन बनाया है? सब कोई मिल करके। कितने लोग हैं आप? 11 लोग हैं। 11 लोग मिलके बनाए। क्या चीज़ है ये? सोलर सिस्टम। वर्क कैसे करता है ये? सर ये घूमता है। बोलो, इसका फंक्शन क्या है? द सोलर सिस्टम इज 1 star 8 planet और 5 reorganized। सर वो हिंदी में आप बताइए बेटा, अगर इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हैं तो। सोलर सिस्टम जिसमें 8 planet होते हैं। और कोई बताना चाहेगा? सोलर सिस्टम में 8 planet होते हैं, एक सन होता है और सर मून होता है और स्टार्स होते हैं। चलिए बेटा आपने प्रयास किया वही बहुत है। और भी बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? आयुष। किस क्लास में है आप? 5th में है। ये क्या चीज़ आपने बनाया है? ग्लोबल वार्मिंग बनाया है। ये वर्क कैसे करता है? जैसे ग्लोबल वार्मिंग है क्या? अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग है क्या वो बताइए। और कोई बताएगा? एवरीवन, ग्लोबल वार्मिंग केस बाय द रेपिटेड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। बेटा गुड, आपने प्रयास किया वही बहुत है। क्योंकि अभी क्लास 5th के ये बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब मैम लोग हैं, थोड़ा सा इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि बच्चों को इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज चैनल। थैंक यू सर। मैम इस तरह का जो प्रोग्राम है कैसे ऑर्गेनाइज आप लोग करते हैं? सर हम हर क्लास में जा करके उनसे पहले पूछते हैं कि वो क्या बनाना चाहते हैं, किस बारे में वो ज़्यादा जानते हैं, जिस बारे में जो एनवायरमेंटल के लिए आगे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि इस बच्चे ने ही बनाया था एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन, जिसमें ये बताया गया था कि पेड़ों की अगर हम कटाई करेंगे तो हमें क्या नुकसान पहुँच सकता है और हम कितना पेड़ को अगर उगाते हैं तो हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं। हाँ मैम, क्या कह रहे हैं, क्या नाम होगा मैम आपका? चांदनी श्रीवास्तव। मैम कैसे बच्चों को आखिर मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन चीज़ें होती हैं इसको बनाना? जी सही बात है, पहले तो हम बच्चों को का उत्साह वर्धन करते हैं, उनके अंदर जोश लाते हैं कि तुम कर सकते हो। उसके बाद इनको एक एक चीज़ के बारे में समझाते हैं कि तुम ऐसे करो, ये चीज़ें हो रही हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हैं या ख़राब, जो भी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं सब समझाते हैं, तो बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं। जी थैंक यू। चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिन्होंने एग्जाम एग्जीब्यूशन के लिए तमाम ऐसी वस्तुएं बनाकर लाई थी जो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, और भी ऐसी तमाम वस्तुएं मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया जो आज इस विज्ञान प्रदर्शनी में बनाई गई थी। बाकी आप क्या सोचते हैं इन युवा छात्रों के विषय में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।